मैं हूं अब्दुल वसान और आज हम बात करने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में कि एयर पोल्यूशन है क्या, काज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इस लेक्चर में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर से आप अपने लिए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन है क्या। देखिए, हर वो चीज जो एड होता है इन्वायरमेंट में और ये बैडली इफेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, और ये डैमेज करता है ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। क्लियर हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं हर वो चीज, एनी सब्सटेंस, क्या एनी सब्सटेंस जो के एड होता है, ठीक है, जो कि हर वो सब्सटेंस जो एड होता है इन्वायरमेंट, ठीक है, जो हर वो चीज जो ऐड होता है इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो ये बैडली क्या करता है, इफेक्ट करता है, बैडली इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट, ठीक है। या बैडली इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट और फिर ये डैमेज करता है ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, और इसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। क्लियर हुआ? हर वो चीज जो एड होता है इन्वायरमेंट में, जब हर वो चीज जो एड होता है इन्वायरमेंट में, तो ये बैडली इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट और फिर ये डैमेज करते हैं ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन, द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस टू एनवायरमेंट, द एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस टू एनवायरमेंट व्हिच बैडली इफेक्ट क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, तो ये बैडली इफेक्ट करता है एनवायरमेंट का क्वालिटी और फिर ये डैमेज करता है ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। क्लियर हुआ? तो ये डेफिनेशन आपने सब नोट करें। तो एयर पोल्यूशन आप डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। अब ये WHO है क्या? WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने एयर पोल्यूशन डिफाइन किया है कि जो सब्सटेंस रिलीज होता है एयर में आइदर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज या नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से सफिशिएंट कंसंट्रेशन में टू कॉज हार्मफुल इफेक्ट फॉर ह्यूमंस, प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स, ठीक है, इट्स कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जो सब्सटेंस रिलीज होता है, सब्सटेंस रिलीज होता है अकॉर्डिंग टू WHO, एयर में जो रिलीज होता है, अब ये जो सब्सटेंस रिलीज होता है एयर में आइदर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज या और नेचुरल एक्टिविटी इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू कॉज हार्मफुल इफेक्ट फॉर प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। यहां पर आप देख सकते हैं द सब्सटेंस रिलीज टू एयर, जो सब्सटेंस रिलीज होते हैं एयर में आइदर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, या तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या बाय नेचुरल एक्टिविटीज, या नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से एयर में रिलीज होता है इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन, ठीक है, सफिशिएंट कंसंट्रेशन में, ताकि वो काम करे टू कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स टू ह्यूमंस, प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, यह है एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO। अब बात करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या है। देखिए, एयर पोल्यूटेंट्स है कि वो सब्सटेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है
एयर पोल्यूशन कास्ट करने के लिए, इसको कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, वो सब्सटेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है, वो सब्सटेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन कास्ट करने के लिए, पोल्यूशन कास्ट करने के लिए, ठीक है, इसको कहते हैं व्हाट, इसको कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। वो सब्सटेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन कास्ट करने के लिए, इसको कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द सब्सटेंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन इज कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूटेंट्स के हमारे पास टू टाइप्स है, एक है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंड है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो है जो कि डायरेक्टली रिलीज होता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली रिलीज होता है एयर में, इसको कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। द पोल्यूटेंट्स व्हिच आर डायरेक्टली रिलीज टू एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। वो सब स्टार्ट जो कि डायरेक्टली रिलीज होता है एयर में, इसको कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो हमारे पास है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये डायरेक्टली रिलीज होता है एयर में, इसको कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है, देखिए जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है ये डिराइव होता है, ठीक है, डिराइव होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से। किस तरह, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन आपने नोट करें, द पोल्यूटेंट्स व्हिच आर डिराइव फ्रॉम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स व्हेन दे रिएक्ट विद सम केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है ये डिराइव होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट करे सम केमिकल सब्सटेंस के साथ, इसको कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, द पोल्यूटेंट्स व्हिच आर डिराइव फ्रॉम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स व्हेन दे आर रिएक्ट विद सम केमिकल सब्सटेंस, इसको कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इसका हमारे पास एग्जांपल है फोटोकेमिकल स्मोक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का एंड एसिड रेन। ठीक है, जो फोटोकेमिकल स्मोक है और एसिड रेन है ये किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के एग्जांपल है। तो आप ये आपने सब नोट करें, आप बात करते हैं पोल्यूटेंट्स के बारे में, स्टेट के बारे में, ठीक है, कि एयर पोल्यूटेंट्स फर्दर क्लासिफाई किया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो ये अब आपने सब नोट करें, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, क्लियर हुआ, अभी आपने सब नोट करें।